कांग्रेस और दूसरे दलों से बीजेपी में आकर पद हथियाने वाले नेताओं से अब बीजेपी के असल कार्यकर्ता और नेता परेशान हो चुके हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपना दर्द सोशल मीडिया पे बयान किया है। उन्होंने नेताओं से सवाल किया, ऐसे में भाजपा के असली कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति सदस्य हीरेंद्र बहादुर सिंह का दर्द सामने आया है। उन्होंने लिखा है, जिस तरह से भाजपा में बाहर के लोग आधिपत्य जमाते जा रहे हैं, अब असली भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए। नियुक्तियां भी धड़ाधड़ हो रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा में कोई शीर्ष नेता मार्गदर्शन करने के लिए बचा है क्या। हम लोगों के लिए 100-100 बहाने हैं, अब तो दुख दर्द पूछने वाला भी कोई नहीं है। हम भाजपा कार्यकर्ता कहाँ जाएं जिन्होंने पूरी जवानी भाजपा में खपा दी। हालात ये हैं कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर को माँ बहन की गाली देने वाले एक सहकारिता मंत्री बन गए और एक प्रोटेम स्पीकर शायद विधानसभा में अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वारी भाजपा, हम लोगों ने इसीलिए जवानी खपा दी। क्या राजनीति में ऐसे समझौते किए जाते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।